सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है जो जक्की ने हमें जीकर सिखाया, शिद्दत। अजय टोपा मेरा शिद्दत सिखाई है, गधा समझ के रखा हुआ ऑडियंस को। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु। ये गाना बहन चो लड़कियों का है, गाने के लिरिक्स हैं लेट मी बी योर वुमन। ये लौंडे क्यों कर रहे हैं ट्रेंड? तुम अपने वुमन के वुमन बनना चाहते हो क्या? हाउ डज दिस वर्क? ये ऑनेस्टली सेइंग, सो गाइस, जस्ट व्हेन आई थॉट कि वन मानुष के शीघ्र पतन जैसी घटिया रोमांटिक पिक्चरें यानी लव आजकल 2 और नमस्ते इंग्लैंड जैसी घटिया वाहियात पिक्चरें दोबारा नहीं बन सकती, तभी बाहर देख, चांद दिख रहा है? नहीं, मुझे भी नहीं दिख रहा। वेट फॉर ईच अदर है हम लोग। तो भैया, ये पिक्चर देखने के बाद मुझे एक चीज तो बहुत क्लियर है कि इस पिक्चर को बनाने वालों ने इस पिक्चर को देखने वालों को शिद्दत से चूतिया समझा है। सो गाइस, रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि ये पिक्चर इतनी शिद्दत से घटिया है, इतना जहरीला मैंगो सेक है ये लोड़ा लहसुन का, कि इसी के चलते मैं तुम्हारे को सारे के सारे स्पॉइलर दूंगा इस पिक्चर के, क्योंकि मैं ही क्यों अकेला इस पोर्टेबल टॉयलेट की गंदी सीट पे पैर ऊपर करके बैठूं। मैं चाहता हूं तुम भी मेरे साथ बैठो। ये पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर है सन्नी कौशल की बेफजूल में हीरो बनने की जिद, जो नाना करते हुए बेचारे विक्की कौशल को पूरी करनी पड़ी। ये पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर है सन्नी कौशल के अपनी भाभी यानी लैटरीना कैफ के साथ हैंग आउट करने का नतीजा। ये पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर है अर्जुन कपूर के मन का चैन कि भैया फाइनली नमस्ते इंग्लैंड इज नो मोर द टॉप वर्स्ट रोमांटिक मूवी एवर मेड। तो भैया, पिक्चर शुरू होती है और हमें रूबरू कराया जाता है इस पिक्चर के लीड एक्टर यानी सन्नी कौशल से, जो रोल प्ले करते हैं जग्गी का, एंड कसम तुम्हारे बुआ के छोटे लड़के की, जो सारा दिन एमएक्स टकाटक पे रीले बनाता रहता है, कि भैया इस पिक्चर में सन्नी कौशल लग ही नहीं रहा, वो लग रहा है आमिर सिद्दीकी। तो सन्नी कौशल और राधिका मदान मिलते हैं एक नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में, क्योंकि ये दोनों होते हैं नेशनल एथलीट्स। और ये मिलते कैसे हैं? ये मिलते ऐसे हैं कि भैया सन्नी कौशल को पता लगता है कि स्विमिंग करने के लिए नेशनल एथलीट लड़कियां आई हैं, तो वो और उसके दोस्त लिटरली उनको ताड़ने के लिए जाते हैं कि जल परियां दिखेंगी उनको वहां पे छोटे छोटे टू पीस में। एंड गाइस, दैट्स नॉट प्रॉब्लमैटिक एट ऑल, राइट? अरे तो बहुत फिट है यार, टू पीस में नहीं दिख रही ना कोई। फिर सन्नी कौशल जी को यह लगता है कि राधिका मदान जी को अप्रोच करने की सबसे बढ़िया तरीका है साइबर बुलिंग। सन्नी कौशल अपने दोस्तों से एक जबरदस्ती फोटो खिंचवाता है अपनी, जिसमें वो जबरदस्ती विदाउट राधिकाज कंसेंट उसको लेता है और उसको ये बताता है कि मैं इसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगा, और करता भी है विदाउट राधिकाज कंसेंट, विच इज नॉट साइबर बुलिंग एंड नॉट प्रॉब्लमेटिक एट ऑल, राइट? पिंकी, तू ना एक काम कर, उसे ना बैकग्राउंड में लेकर ना मुझे एक अच्छे से फोटो खींच दे। और फिर आता है इस पिक्चर का सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक पार्ट। राधिका मदान इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग दिस केस ऑफ साइबर बुलिंग, वो मैडम अपना फोन उठाती है, अपनी दोस्त को लेती हैं और बॉयज लॉकर रूम में घुस जाती हैं और वहां पे घुस के वीडियो बनाती हैं अपने आप को लौंडो के तौलिये खींचते हुए। लड़के वहां पे चेंज कर रहे हैं एंड शी गोस्ट अप टू ईच एंड एवरी मैन इन दैट लॉकर रूम और वहां से वो उनके तौलिये खींचती है। Can somebody tell me how is that not molestation and harassment? There's literally a scene जहां राधिका मदान और उसकी दोस्त कैमरा लेकर विक्की कौशल को शावर लेते हुए पिक्चर करने चली जाती हैं, वीडियो लेने चली जाती हैं उनकी, और विक्की कौशल खुशी से कहता है हाँ भाई देख लो मेरा सामान, और वो उसका सामान देख रही है, रिकॉर्ड कर रही है और मेजमराइज हो गई है। Well, it's time to see your B watch pose now. No, that's not problematic, yeah, it's okay. And all this is happening in a national sports institute, जहाँ पे national athletes हैं जो दिन रात पार्टी में चूर हैं, बहन जो नशे कर रहे हैं, दारू धप्पड़ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और अगली मॉर्निंग सुबह फ्रेश उठ के कॉम्पिटिशन जीत रहे हैं और अपने लैप टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं। 1 minute 30 seconds. तो भैया, ऐसे छोटे मोटे स्वीट स्वीट बड़े बड़े क्राइम्स करने के बाद ये हंसों का जोड़ा चौदम पट्टी में लग जाता है, और फिर सन्नी कौशल को पता लगता है कि भैया राधिका मदान की तो शादी पक्की हो रखी है और उसकी चूतड़ों पे लात पड़ जाती है और उसके साथ सिर्फ सेक्स करने के लिए थी। मूविंग बैक टू लंदन, शादी हो रही है मेरी वहां पे। यहाँ पे राधिका मदान सन्नी कौशल को साफ साफ क्लियर कर देती है कि मेरी शादी होने वाली है और मैं तेरे से प्यार नहीं करती, वॉट एवर हैपेंड बिटवीन अस वॉज जस्ट फॉर फन, जो हो गया हमारे बीच में हो गया, प्लान कुछ और है। बट नहीं, यहां पर क्योंकि ये एक बॉलीवुड पिक्चर है, लौंडा आशिकी में पड़ जाता है वन साइडेड, और यहां से ग्लोरिफिकेशन शुरू हो जाती है फुल ब्लोन स्टॉकिंग की। अगेन, दैट्स नॉट प्रॉब्लमेटिक एट ऑल। फ्रेंड्स ऑफ ने मंगेतर को बनाना, आई तो लव यू। तो जैसे तैसे राधिका मदान साफ साफ क्लियर करके सन्नी कौशल को कि मैं तेरे से प्यार नहीं करती, अपनी शादी करने के लिए लंदन चली जाती हैं, एंड मीनवाइल 3-4 महीने तक इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन सन्नी कौशल यहाँ प्यार के भभकों में उबल रहा है, वन साइडेड है जो कम्प्लीटली, और वो ठान लेता है कि भैया मैं लंदन जाऊंगा उसकी शादी रुकवाने के लिए। एक चांस दे देना यार हम लोगों को,
छोड़ना यार ये शादीवादी क्या है। अब एक नॉर्मल आदमी लंदन जाने के लिए क्या करेगा, वीजा लगवाएगा, अगर वीजा नहीं लगता रिजेक्ट हो जाता है तो रीअप्लाई करेगा, उसमें देखे कि भैया क्या गलती हो गई, दोबारा रीअप्लाई कर देते। लेकिन नहीं, ये बॉलीवुड की पिक्चर है तो बेसिकली इसमें एक हीरो है जिसने बेसिकली अपना पूरा बचपन काटा है लोगों के बूट पॉलिश करते हुए, उसके पास वीजा लगवाने के या रीअप्लाई करने के पैसे नहीं है, बट उसके बाद एक कबूतरबाज को उससे 4 या 5 गुना पैसे हैं देने के लिए ताकि वो कबूतरबाज उसको 7 से 8 कंट्री के बॉर्डर टपा के लंदन पहुंचा दे। यहाँ 8 देशों का बॉर्डर क्रॉस करके तुम चाय बेचने आए। फिर सन्नी कौशल भाई साहब बॉर्डर टपाते हुए पकड़े जाते हैं, लंदन नहीं पहुंच पाते और उनको डिपोर्टेशन सेंटर भेज दिया जाता है, और उनसे उनके केस से डील करने के लिए इंट्रोडक्शन होती है एक इंडियन डिप्लोमेट ऑफिसर की जो प्ले करते हैं मोहित रायना। और यहां से ये पिक्चर, अगर आपको लग रहा था अब तक ये चुतियापा चल रहा है, दूसरे रेल में चली जाती है। फिर मोहित रायना हु इज अ डिप्लोमेट ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल टू डिपोर्ट हिम बैक टू इंडिया, वो भाई इसको डिपोर्ट करने की बजाय सबसे पहले तो इसको अपने घर ले जाता है। मुझे अब तुम्हें 2 दिन तक झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिपोर्टेशन सेंटर रात को बंद हो चुका है, क्योंकि गोरे सैटरडे संडे की छुट्टी पे चले जाते हैं, क्योंकि रिफ्यूजीज तो भैया रात को तो बॉर्डर टपाएंगे नहीं, तो डिटेंशन सेंटर रात में कौन ही आएगा, है ना सर? डिटेंशन सेंटर तो बंद हो गया। बंद हो गया मतलब? और वीकेंड है सर, इंडिया जैसा नहीं। फिर मोहित रायना उसको शॉपिंग कराता है। सरसी उसला सी। फिर उसको साइट सीइंग कराता है, उसको अपने हाउस होल्ड और अपनी लव लाइफ में भी इन्वॉल्व कर लेता है। अबे गधे की गांड, डिपोर्टेशन का क्या हुआ? और फिर जब सन्नी कौशल को पता लगता है कि मेरे को फ्रांस में डिपोर्ट करके हिंदुस्तान भेज देंगे, मैं लंदन नहीं जा पाऊंगा, और उसको मोहित रायना जो उसको डिपोर्ट करने वाला ऑफिसर है वो उसको बताता है कि 32 किलोमीटर अगर तू स्विम करके जाएगा तो लंदन लग जाएगा। इस बीच वाले रास्ते को बोलते हैं इंग्लिश चैनल। एंड माइंड यू गाइस, इंग्लिश चैनल आज तक 1 या 2 आदमियों ने ही क्रॉस किया है सक्सेसफुली, क्योंकि वहां पे जो करंट्स होते हैं, जो टाइड होती हैं, वो इतनी ज्यादा डेंजरस होती हैं, सब जीरो टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है वहां पे कि अगर आप स्विम करने की कोशिश करोगे तो आप मारे जाओगे। लेकिन वो भाई सन्नी कौशल है यार, वो बॉलीवुड का हीरो है ऑफ कोर्स, तो वो भाई एक थर्मल सूट लेके चोरी के पैसों का उसमें कूद जाता है, क्योंकि उसको शिद्दत दिखानी है ना प्यार में, लॉजिक तो कोई ढूंढ नहीं रहा इस पिक्चर में। हर किसी का अपना तरीका है, अपनी अपनी कहानी है। अब भैया कॉमन सेंस और लॉजिक का दिन दहाड़े मर्डर देखा मैंने इस पिक्चर के अंदर, और फिर मुझे रियलाइज हुआ व्हाट इज द टाइम, इट इज अ लेटर राइटिंग टाइम। डियर मैं तुझे जरूर बोलूंगा सनी, भगवान कसम मैं तेरे को डियर बोलूंगा, बट उससे पहले तू जाकर अपना झउआ मुंडवा, अपनी दाढ़ी ठीक करवा और कपड़े अपने साइज के पहन, ताकि तू एक एक्टर लगे ना कि टिकटॉकर आमिर सिद्दीकी, और जल्द से जल्द अपनी भाभी कैटरीना के साथ हैंग आउट करना कम कर दे, क्योंकि भैया जैसी संगत वैसी रंगत, कैटरीना के चक्कर में सलमान भाई उल्टे इवॉल्व होके वानर बन गए, तू तो फिर कहां ही बचेगा। द मूवी वॉज एब्सोल्यूटली ट्रैश ब्रो, इंडियन ऑडियंसेस। यार मेरी मानो जुलाब को देखने से अच्छा तो उस तरह के चैनल पे जाओ, मेरी नई वीडियो रिलीज हो गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसका ट्रेलर देखो। ठेके पे बकचोदी के ठेकेदारों की लिस्ट में अगले नंबर पर है बेधड़क जाट भाई। दोस्त यार तू लाइन में आगे लग रहा है, इतनी भीड़ में कहां घुसूंगा मैं, ये ले यार ये कार्ड ले ले, यू है मेरा पिन 1523। ऑल्दो सन्नी इंग्लिश चैनल पार नहीं कर पाता, लेकिन उसकी ये दिल गदगद कर देने वाली शिद्दत अपने प्यार के लिए मोहित रायना का दिल पिघला देती है। एंड गाइस अगेन आई विल स्टेट दिस अगेन कि वो एक इंडियन डिप्लोमेट है इन द यूके, और फिर वो उसको हेल्प करता है, कैसे? उसको वापस डिपोर्ट करके नहीं, उसको सही रास्ते पे नहीं लाके, उसके लिए एक फर्जी पासपोर्ट बना के। हाय एलेक्स, गौतम है फ्रॉम इंडियन एम्बेसी। एक इंडियन डिप्लोमेट एक टिकटॉकी आशिक के लिए एक फर्जी वाड़ा करता है पूरा ऑन अ फॉरेन सोइल, उसको नकली पासपोर्ट बना के देता है। यार कुछ तो दिमाग लड़ाओ। और ये चुतियापा तब होता है जब राधिका मदान कहती है कि तू फ्रांस में ही रह, मैं यूके की रेजिडेंट हूं, मैं वहां आ सकती हूं, वहां पे आके सॉर्ट आउट कर ले। लेकिन नहीं, अब यहां पे मुझे इंडियन डिप्लोमेट फर्जी पासपोर्ट बना के दे रहा है, वो लेके मैं तेरे पास आऊंगा, तू यहां मत आ। मैं वहां पे आ जाऊंगी, तू टेंशन मत लेना। आई मीन यार ये देख के हाउ इज लॉजिक वेयर गो। चलो तुम्हारे को ये भी दिया कि भैया तुमने पिक्चर में ये दिखाना है कि एक आदमी प्यार में कितना पागल हो सकता है और वो कितनी हदें पार कर सकता है, लेकिन बेसिक लॉजिक है, बॉर्डर लॉज हैं, कैसे कुछ चीज फंक्शन करती है, वो तो इंटैक्ट रखो यार। शिद्दत से भरा प्यार लव आजकल के पहले पार्ट में, उसके बाद नमस्ते लंदन में हर जगह दिखाया गया था, पर वहां पे बेसिक लॉजिक्स तो किसी ने बीट नहीं करे। जो थोड़ी बहुत 250 ग्राम इज्जत इस पिक्चर की बचाई है, वो बचाई है मोहित रायना की एक्टिंग ने। इतने बढ़िया आर्टिस्ट है यार वो बंदा, इतना सही आर्टिस्ट है, लेकिन वो भी क्या करेगा जब स्क्रिप्ट इतनी धी पिटी की हो। तेरी उससे शादी नहीं होगी, तेरे प्यार की कहानी खत्म, इट्स ओवर। सन्नी कौशल मुझे तो कहीं से भी अबव
एवरेज नहीं लगा, एंड लेट अलोन कि वो एक पूरी रोमांटिक फुल फ्लेज्ड फिल्म अपने शोल्डर्स पे कैरी कर सकता है। मुझे तो कहीं से भी वो दूर दूर तक कोई हीरो टाइप मटेरियल नहीं लगा। प्रोबेबली फ्यूचर में उसको कोई ऐसे रोल मिलेंगे जहां पर वो अपना मेटल प्रूव कर सके, बट फॉर दिस मूवी एक्सट्रीमली बिलो एवरेज। राधिका मदान की एक्टिंग भी बहुत ही बिलो एवरेज थी। कुछ कुछ शॉट्स उसने काफी अच्छे दिए हैं, बट कुछ शॉट्स वो बिल्कुल आउट एंड आउट क्रिंज है। कई शॉट्स में तो उसका मुंह ही नहीं खुलता, पता नहीं वो कैसे बोलती है, उसका मुंह ही नहीं खुलता है और आधे डायलॉग समझ नहीं आते। इस पिक्चर का डायरेक्टर है कुणाल देशमुख, जिनकी एज अ डायरेक्टर ये पांचवी फिल्म है। इससे पहले वो बना चुके जन्नत 1, जन्नत 2, तुम मिले और राजा नटवरलाल। और इस पिक्चर के लिए मैं सिर्फ उनको यही कहूंगा कि कुणाल जी, दिस इज एन एक्सट्रीमली टेरेबल जॉब। सो गाइस, ये था मेरा रिव्यू ऑफ शिद्दत। और शिद्दत भी भुज की तरह, लक्ष्मी की तरह, भूत पुलिस की तरह बहुत ही थर्ड क्लास प्रेजेंटेशन है डिज्नी हॉटस्टार की। आई हैव नो क्लू कि कौन से लोग इनकी प्रोडक्शन में पैसा डालते हैं एंड बैंक मनी ऑन सच मूवीज। और ये इस ऐसी मूवीज को अप्रिशिएट कौन कर रहा है, एब्जॉर्ब कौन कर रहा है ऐसे कॉन्टेंट को जो इतना ज़्यादा इलॉजिकल और इतना ज़्यादा अनफैथमेबल हो। और हाँ, इस हफ्ते मैं तुम्हारे को 5 रिकमेंडेशंस नहीं दूंगा, बल्कि उसकी जगह एक रिकमेंडेशन दूंगा और वो है स्क्विड गेम की। जाके देखो, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही बढ़िया साइकोलॉजिकल ड्रामा है साउथ कोरियन। तुम्हारा वर्थ होगा टाइम, एक एक घंटे के एपिसोड हैं उसके, बट एवरी एपिसोड इज वर्थ वॉचिंग इट। इससे तो दूर ही रहना, और अगले हफ्ते मिलते हैं। बाय बाय। चूतिया समझा है।